नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आईबीएन 24 पर। जो ये शख्स आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह के ऊपर बहुत सारे गाने बने, भगत सिंह को बहुत युवा पसंद करते हैं और उनके साथ आप देख सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। ये दोनों तस्वीरें आपको आजकल पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, जब भी वो कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पीछे आपको ये तस्वीरें दिखाई देती है। लेकिन भगवंत मान सरकार जो कि पंजाब में इस समय यानी कि अपना काम कर रही है, पंजाब से ही, पंजाब की संगरूर सीट से चुनाव जीतने वाले, हाल ही में सिमरनजीत सिंह मान ने किस तरह से कल करनाल आकर भगवंत जो शहीद भगत सिंह है उनको किस तरह से आतंकवादी कहकर बुलाया 2015 में, जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगवंत सिंह जो शहीद भगत सिंह है उनके नाम पर रखने की बात हुई, तब भी उन्होंने ज़ोरदार विरोध किया था। लेकिन कल आकर उन्होंने एक बार फिर से करनाल से लेकर सिरसा तक के इलाके को किस तरह पंजाब में शामिल करने की बात कही। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए और वो यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने शहीद भगत सिंह को लेकर भी कहा कि वो तो आतंकवादी हैं, उन्होंने कई नौजवानों की हत्या की है, नेशनल असेंबली के अंदर बम विस्फोट किया। इसी को लेकर हमारे साथ आज आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे बलविंदर सिंह जी से। बलविंदर जी, कल सिमरनजीत सिंह मान आए थे, सांसद हैं वो, हाल ही में सांसद बने हैं, 77 साल उनकी उम्र है। जो उनका बयान जब आईबीएन 24 ने उनसे पूछा कि आप शहीद भगत सिंह को लेकर क्या सोच रखते हैं, आपने 2015 में एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का विरोध किया था, तो उन्होंने आतंकवादी कहकर बुलाया और आप लोग शहीद भगत सिंह की पूजा करते हैं, ये क्या मामला है? हम क्या, सारा देश पूजा करता है, सारा वर्ल्ड भगत सिंह जी की पूजा करता है और हम उनके बयान की घोर निंदा करते हैं और साथ में ये भी करते हैं, उनका तो विरोध करते ही करते हैं। जो उनको बुलाते हैं यहाँ पे, अब की बार तो उनसे गलती हो गई, दोबारा कोई उनको इनवाइट भी करेगा तो हम उनका भी विरोध करेंगे। क्या लग रहा है सर आपको, इस तरह से जो उन्होंने बयान दिया, इस तरह का बयान देने का क्या मकसद हो सकता है? वो एक सुलझे हुए आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, 3 बार यानी कि लोकसभा के सांसद, 3री बार बने हैं, इस तरह का बयान देने के पीछे औचित्य क्या है? ये गंभीर मामला है, लोग इस बात का विरोध करें। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां चुप बैठी, किसी ने एक बयान तक नहीं दिया, किसी ने कोई पुतला नहीं फूका। पहले छोटे मोटा मामला होता था, पुतले फूक देते हैं, इस मामले पर सब ने चुप्पी साधी हुई है। उनकी इन्हीं आदतों के कारण पंजाब वालों ने भी 32-33 साल उसको सत्ता से दूर रखा और उसको पता ही नहीं लगता कि मैंने क्या बोलना क्या नहीं बोलना। और अब की बार भी वो मात्र इसलिए बन गए कि उनकी 80 साल के पास उम्र हो गई थी। जैसे गांव में नहीं होता, एक सरपंच हर बार खड़ा हो जाता है, तो एक दिन गांव वाले सोचते हैं यार इसको बना ही दो, ये कम से कम 20 बार खड़ा हो चुका है, तो हर चुनाव में ये खड़े होते थे। तो अब की बार उन्होंने लोगों ने बना दिया, कोई विचारधारा के ऊपर इनको नहीं बनाया है, ना इनको कोई पसंद करता है। और पसंद करना तो बड़ी दूर की बात है, जो नए बच्चे आए थे उनको पता नहीं था कि ये कैसी विचारधारा की है, कोई हो सकता उनको पसंद भी करे। जब से उन्होंने भगत सिंह जी का अपमान किया है तब से वो लोग नापसंद की बात नहीं है, तब चाहे कोई किसी भी धर्म का है, सभी उनसे नफरत करने लग गए हैं और उनसे नफरत करनी भी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो मान लो उन्होंने जातिवाद की बात हमारे यहाँ पे उठाई है, तो ये शुरू से ही क्या करते आए हैं, कुछ बंदे हैं जो कुछ कनाडा में बैठ गए और कुछ एक दो ये जो शैतान उनको बोलूँगा वो पंजाब में बैठ गए, वो हमेशा से हमारा भाईचारा ख़राब करने के लिए बयान दे देते हैं। और ये वहाँ पर बहुसंख्यक हैं, वहाँ पे तो चलो इनका चल जाता है, इनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारे सिख बैठे हैं, उनको ये चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। और जब इनको पंजाब वाले पसंद नहीं करते तो हम पसंद कैसे करेंगे? आप मेरी तरफ देख लो, हमारे 23-24 हज़ार मेरे वार्ड में वोट हैं अब, और मात्र सिखों के 200 ही वोट हैं, और फिर भी सरकारों के खिलाफ लोगों ने मेरे को 2 बार पार्षद बनाया है। तो यहाँ पर जातिवाद की बात कहाँ आ गई? मैं इस जो उनका बयान है उनकी घोर निंदा करता हूं और मैं आगे आप मीडिया वालों से भी बोलता हूं कि उनके बयान को इतनी तवज्जो ना दें और अपील करता हूं जब भी वो आए इनके आने पे इसका पूरा बहिष्कार करें, अपने आप 2 बंदों के सामने बोल के चला जाए। आपने बिल्कुल ठीक बात कही सर, क्योंकि मीडिया को भी पता नहीं था कि वो इस तरह का बयान दे देंगे या इस तरह की वो बात कर देंगे सर। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी सत्ता में है,
केंद्र में सत्ता में, हरियाणा में सत्ता में। वैसे तो कुछ कोई भी मामला खालिस्तान से संबंधित ले लें या शहीद भगत सिंह की बात कर ले, देश से संबंधित कर ले, उस टाइम तो कहते हैं FIR दर्ज करके अंदर डाल दो। यहाँ पर किसी ने बयान तक नहीं दिया, CM साहब ने ना कोई ट्वीट किया, कोई नेता उनका बोलने को तैयार नहीं है। मामला क्या है, इतनी चुप्पी साधने वाले तो है नहीं। ऐसे आके हमने तो मेरी फेसबुक के मेरे पर्सनल पे देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, हमने तो ऊपर लिखा है। और आपको पता है हम किस मिशन में कल बिजी थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा बरसात थी, और जो जैसे ही मेरा फ़ोन, आप भी वहाँ कवरेज कर रहे थे, मेरा फ़ोन पानी में भीग गया था। रात को बड़ी मुश्किल से उसको ठीक करा, सुबह जैसे ही मेरा फ़ोन ठीक हुआ सबसे पहले मैंने ये पोस्ट डाली है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी की ओर से बलविंदर सिंह है वो विरोध कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष हमारे साथ राठी साहब, इस तरह से जो उनका बयान आया है, आम आदमी पार्टी ने भी आधिकारिक तौर पर कोई बयान इस तरह का जारी नहीं किया। अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई बात होती है तो आप लोग पुतले भी फूंकते हैं, विरोध भी करते हैं, सड़कों पर भी उतरते हैं, लेकिन इतने शांतिप्रिय तरीके से विरोध करना, ऐसे तो सिमरंजन सिंह मान को लगेगा कि बंदे ठंडे हैं सारे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के। नहीं, ऐसा नहीं है। कल हमारा जो मिशन चला हुआ था हम उसमें बिजी थे, और आज की जो ये व्यवस्था करनी थी इसमें बिजी हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो देश के शहीदों का सम्मान नहीं करता, वट एवर ही सी में भी किसी पार्टी का हो, वो लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं है। लोगों की भावनाओं के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, देश में जो लोकतंत्र है उसके साथ खिलवाड़ है। तो जो इन नेताओं ने आदरणीय, इसलिए कि वो बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे से भी ज़्यादा उम्र के हैं वो, उनका इस तरह का बयान युवाओं के लिए एक बड़ी सोच का विषय है। सिख कौम के लिए भी जैसा बलविंदर जी ने अभी कहा कि बयान तो इस तरह के नेता देते हैं लेकिन भुगतना बाकी लोगों को पड़ता है। यस, आज का युवा पथभ्रष्ट होने को मजबूर है सरकार की नीतियों के कारण। ये जो पुराने बड़े नेता हैं इनको युवाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए। और जो शहीद आजम भगत सिंह युवा थे जब वो शहीद हुए, उस युवा का अपमान करके वो देश के युवाओं का अपमान कर रहे हैं, उनको तो मार्गदर्शन करना चाहिए युवाओं को, और सीधा रास्ता दिखाना चाहिए ताकि आज की जो परिस्थितियों में युवा ना भटके। ये बड़ी बात है कि आज की परिस्थितियों में जो युवा है वो ना भटके। लाडी संधू जी हैं, लाडी जी, जिस तरह से यानी कि सिमरनजीत सिंह मान ने जो बयान दिया वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में युवा भी थे, पत्रकार भी थे, हालांकि पत्रकारों ने अपने शब्दों में ज़रूर यानी कि उनको विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हमारी भी अपनी एक मर्यादा होती। तो क्या लगता है आपको, जो लोग इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करवाते हैं कहीं ना कहीं या तो उनको जानकारी नहीं थी, और अगर जानकारी थी तो जानबूझकर ये सब किया गया, या फिर उनको भी पता नहीं था भी इस तरह का बयान दे जाएंगे वो? नहीं सर, ये तो बिल्कुल प्री प्लान था इनका, और ये सारी प्लान पहले हो चुकी थी। मैं तो इसका पुरजोर विरोध करता हूँ कि जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया भगत सिंह जी के खिलाफ़ बिल्कुल गलत किया है, और आगे से भी कभी भी ये करनाल में आएंगे मैं पर्सनली तौर पर, ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। दूसरा, पंजाब से बार बार फ़ोन आ रहे हैं कल के कि ये बंदा क्या स्टेटमेंट दे रहा है। ये आज कल ही ये बात क्लियर हो गई है कि ये जब तक इन्होंने कोई FIR नहीं की, जो ट्वीट नहीं किया, मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वर्कर ने को विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया कोई विरोध, नहीं नहीं नहीं, ये इनकी प्री प्लान थी, इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा है, यहाँ से क्लियर हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसका इस आदमी का सपोर्ट कर रहे थे वहाँ, इसीलिए इसके विरोध नहीं हुआ। हाँ, इसीलिए विरोध नहीं हुआ। लोग सर वहाँ पर डॉलरों के हार पहना रहे थे सिमरनजीत सिंह मान को, हमें तो लगा भी शायद बड़े सम्मानित व्यक्ति होंगे, लोग डॉलरों के हार पहना रहे हैं, यहाँ तो भारतीय नोटों के पहनाते हैं, वहाँ डॉलर थे, लेकिन बाद में पता लगा कि सोच ही बड़ी खराब है। और जितना शर्मिंदा उनके बयान ने मुझे लगता है कि सिख बिरादरी को, कि आज से पहले कभी हुआ नहीं होगा। नहीं सर, बिल्कुल, हमेशा, मैं तो खास तौर पर सिख बिरादरी से हूँ, हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, और कभी भी एक विषय में भी करनाल आएंगे तो पर्सनली तौर पे भी विरोध करेंगे, और हमारी आम आदमी पार्टी भी इनका खुला तौर पे विरोध करेगी और काले झंडे दिखाएगी। और जो भी ये भारतीय जनता पार्टी है जातिवादी का खेल खेल रही है, जब बार बार वो उल्टे उल्टे स्टेटमेंट दे रहा है, या FIR क्यों नहीं कर रहे, ट्वीट क्यों नहीं कर रहा मुख्यमंत्री, आप बताइए सर। ये इनकी प्री प्लान थी, ये कल्ले सिमरनजीत सिंह मान की गेम नहीं थी, ये इनकी प्री प्लान थी भी। आप जाकर करनाल में स्टेटमेंट दोगे, जाट नॉन जाट हरियाणवी क्या बोल रहे हो आप, देखिए
पंजाबी को क्यों बना दिया, शर्म आनी चाहिए पंजाबियों को कि वो खट्टर साहब को सीएम बना रहे हैं। हाँ, लोकल पंजाबी, ये सारी प्री प्लान यही भाजपा की गेम और यही सिमरनजीत सिंह मान रहे हैं कि करनाल से सिरसा तक तो पंजाब का एरिया है, आप अपना भरतपुर ले लो, मेरठ ले लो और सहारनपुर ले लो, क्या लगता है आपको? इसको यही समझ ही नहीं है दुनियादारी की, और जो जो इसको भाजपा ने पढ़ा के भेजा हुआ था वो ये तो एक सेल भर के भेजा हुआ था भी, तेरे को पंखा भर के छोड़ दिया है, चाबी भर के छोड़ दिया है, सेल डाल दिया और ये अपने आगे आगे शुरू कर रहा है, ये अपनी, इसकी अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये सारी भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट है। फिलहाल आपने देखा कि आम आदमी पार्टी इस बयान को बता रही है, आम आदमी पार्टी इस बयान को बता रही है कि किस तरह से जो कांग्रेस और बीजेपी है उन दोनों ने ही पढ़ा लिखा कर सिखा कर सिमरनजीत सिंह मान को भेजा था। यहाँ पर सवाल उन आयोजकों के ऊपर भी है कि क्या वो सिमरनजीत सिंह मान के उस बयान का समर्थन करते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो भगत सिंह है, शहीद भगत सिंह है, वो आतंकवादी हैं, यानी कि शहीद भगत सिंह जिनको हमने बचपन से देखा, 15 अगस्त 26 जनवरी को जब भी स्कूल में कार्यक्रम होते थे तब बात हुआ करती थी भगत सिंह की, उस टाइम हम देखते थे कि नहीं उनके प्रति हमारे दिल में कितना, यानी कि भाव है, कितना आदर है, कितना सम्मान है, लेकिन उस आदर सम्मान को कहीं ना कहीं जो ठेस है वो सिमरनजीत सिंह मान पहुँचा कर गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले को लेकर, संजीव जी जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, आप भी, आम आदमी पार्टी भी अब बोल रही है, जब हमने आपकी बाइट ली उससे पहले तो आप लोग भी ठंडे होकर बैठे हुए? नहीं, इस विषय पर हमारा शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श चल रहा है और जैसे ही हमें हरी झंडी मिलती है हम सिमरनजीत मान का इनका पुतला भी फूंका जाएगा करनाल के अंदर और घोर विरोध किया जाएगा, साथ में जो आयोजकों ने इनको बुलाया है उनको भी समझाया जाएगा और इनके खिलाफ एक FIR भी जल्दी ही दर्ज की जाएगी। मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हो भी जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे बात करेंगे, अगर वो कहेंगे तो हम करेंगे, यानी आपकी कोई दिल की संवेदनाएं नहीं, आपका कोई प्रेम नहीं, आपका कोई लगाव नहीं, आप भगत सिंह को कुछ नहीं समझते? नहीं नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं है, हम भगत सिंह जी को पूरा मान सम्मान देते हैं, भगत सिंह जी हमारे जो है शहीदों में शिरोमणि है और ये जो उन्होंने बातचीत उन्होंने कहा है वो सरासर गलत है और युवा वर्ग भी इसके प्रति पूरी तरह आक्रोशित है और जल्दी ही इनके जो है सांसद जी का इनका जो इस्तीफे की डिमांड की जाएगी, मांग की जाएगी, इस्तीफे की मांग करने की फिलहाल जो बात है वो करें। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।